इधर गुरुवार का दिन, पीर बाबा का भी दिन, हमारे विष्णु भगवान का भी दिन, गजब का दिन था और गामा लहरा रहा था, पूरे साहिबाबाद विधानसभा में जनता झूम झूम के पतंग उड़ा रहा था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। पहले चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है, पहले चरण का रण जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं साहिबाबादी विधानसभा में पंडित मनमोहन झा गांव से। बात करेंगे कि कितना चुनाव कैसा रहा है, क्योंकि खबरें आई है उड़ी कि कई लोगों के वोट काटे भी गए, कई लोगों के वोट जो है अलग अलग कर दिया, पति पत्नी के वोट भी है वो भी अलग अलग हुआ है, तो इन सब पे मुद्दों पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन झा गामा है, AIIMM के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पंडित जी, क्या लग रहा है, पहले तो कैसा चुनाव रहा, सब कुछ कैसा देखा आपने? देखिए, साहिबाबाद की जनता ने भरपूर प्यार और मोहब्बत दिया है और उसके साथ साथ अपने अंगूठे का इस्तेमाल पतंग को उड़ाने में पूरा समय दिया है। हवा भी बहुत तेज चल रही है और कुदरत की रहमत भी ऐसी थी कि आप देख लो कि पतंग उड़ाने का मौसम था और निश्चित रूप से 10 मार्च को साहिबाबाद ही नहीं पूरे गाजियाबाद में हरा पगड़ी बंधा हुआ नजर आएगा आपको, हरियाली हरियाली होगी, हरियाली होगी। चलिए, ये तो बात रही हरियाली होगी, दूसरी बात ये रही कि वोट जो है बहुत कटे, मत का प्रयोग नहीं कर पाए मतदाता। दरअसल अभी भी हम लोग कहने कि 73 साल हो जाने के बाद भी हम अपनी मूलभूत समस्याओं को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं और जहाँ तक जिससे हमारा मुकाबला है ये वो मक्कार लोग हैं, ये वो फड़ेवी लोग हैं कि इनको हर हालात में कुर्सी प्यारा है। मैं मतदाताओं से कहना भी चाहूँगा कि आप उंगली तो उठाते हो कि नेता गलत है, लेकिन नेता बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी और गलत को हटाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो मत प्रतिशत कम हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता है और इससे पता चलता है कि वर्तमान में जो साहिबाबाद की जनता है वो इस सरकार से रुष्ट थी, इसलिए वोट परसेंटेज कम रहा। ये जो एशिया का बड़ा सबसे बड़ा जो विधानसभा है और सबसे कम वोटिंग, सोचने वाली बात है। और हॉप सिटी, हॉट सिटी कहलाता है ये, पास कॉलोनियां है, हाईलाइट्स है, यहाँ पे सारे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं, अगर मजदूर है यहाँ तो शिक्षित वर्ग भी है, लेकिन आप एनालिसिस करेंगे तो जहाँ पे मजदूर और मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ पे एवं 42% तक 43% तक पोलिंग हुई, लेकिन जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं आखिर वहाँ क्या ऐसी बाध्यता हो गई कि भाई 35% से आप ऊपर नहीं जा रहे हो? फिर एक वही सवाल हो गया कि पढ़े लिखे लोग वोट कम डालते हैं। दरअसल है क्या कि लोग अब सुविधा भोगी हो गए हैं, वो भूल गए कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली, वो भूल गए कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है, लेकिन आज उनको ये बसंती हवा भी जो है ना ठंड सा महसूस होता है। इस बसंती हवा में तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है मेरे यार। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, जब तक आप घर से नहीं निकलोगे आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते हो, और वही लड़ाई लड़ने के लिए ओवैसी साहब का सिपाही सड़कों पर है। अच्छा, सुना है कि आपके और आपके पत्नी को भी अलग अलग कर दिया गया, मतलब वोट के बूथ में, मतलब ऐसा नहीं है वैसे ना हो, कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन एक वोट डालने के लिए। अब आप सोचो, दरअसल अब ये विडंबना और ये दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता की है ना कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बना बैठा है वो खुद रंडुआ है और जो प्रधानमंत्री है वो अपनी पत्नी को छोड़े बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बहन चाहेगा कि उसका पति मोदी जैसा हो? अगर नहीं चाहता है मोदी जैसा पति हो तो भैया ओवैसी साहब सिपाही को जिताओ, जहाँ भी अब पहला चरण का यहाँ चुनाव हो चुका, आगे जहाँ जहाँ भी पतंग आपको नजर आए पतंग का बटन दबाएं, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय का ही काम होगा। अच्छा, मंत्र बहुत पढ़ता, कल सुबह कौन सा मंत्र पढ़ा आपने? ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभन जीवाम खिले बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। मजार पे भी गए कि नहीं? बिल्कुल गए, लेकिन वो हमारे कितना खूबसूरत दिन था मेरे लिए वो, इधर गुरुवार का दिन, पीर बाबा का भी दिन, हमारे विष्णु भगवान का भी दिन, गजब का दिन था और गामा लहरा रहा था, पूरे साहिबाबाद विधानसभा में जनता झूम झूम के पतंग उड़ा रहा था। भारत को एक कर दिया, असली भारत दिखा दिया कल। भारत यही भारत है, हमारे देश की खूबसूरती यही है, और अभी मैं जो वर्तमान में बैठा हूँ अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, ये सब मेरे गार्जियन है, कोई बड़ा भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, और आज जुम्मा का दिन है और मस्जिद के पास इसीलिए आके बैठा हूँ कि जो भी हमारे नमाजी भाई जाएंगे उनसे इल्तिजा करूंगा कि जीत तो है आपकी,
लेकिन अल्लाह के घर में मेरे नाम का आवाज लगा देना कि सिपाही को जिता दो ताकि ये खिदमत कर सके। देखो आज जुमे का दिन है और दिखाऊंगा, एक बार दिखा दें विवेक भाई पीछे मस्जिद, सामने मस्जिद है, जुमे का टाइम भी होने वाला है कुछ देर बाद, तो ये इन्होंने दुआ आज जो है मस्जिदों में दुआ हो रही है, तो मंदिर में भी कुछ हो रहा भजन की नहीं हो रहा? बिल्कुल यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और इतिहास वो मिथक टूटने जा रहा है जो राजनीतिक पार्टियां, चंद राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ नहीं चाहता कि ओवैसी साहब जैसे लोग राजनीति कर सके, उनके ऊपर मुस्लिम टैग जो लगाने का काम किया, आज साहिबाबाद के ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज के लोगों ने ओवैसी साहब के चुनाव चिन्ह को अपना कर यह साबित कर दिया कि ओवैसी साहब संविधान के रक्षक हैं, ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सच्चे नेता हैं, ओवैसी साहब हिंदुस्तान की भलाई के लिए खुद को मिट जाने को तैयार बैठे हैं। जब उनका नेता ऐसा है तो उनका सिपाही आप सोच सकते हो कैसा हो, कैसा करें लोग, जैसे लोग मिलते हैं कुछ कहते हैं जय श्री राम, कुछ अस्सलाम वालेकुम, तो आपका क्या होगा इस बार? देखिए जय श्री राम से हमें कोई परहेज नहीं, अस्सलाम वालेकुम से हमें कोई परहेज नहीं, अल्लाह अकबर से हमें कोई परहेज नहीं, क्योंकि सब तो एक ही है, सब सबका मालिक एक है। सूर्य की रोशनी अगर भगवान आज दे रहे हैं या अल्लाह दे रहे हैं तो उसका लाभ हिंदू और मुसलमान बराबर का लेता है। हवा चल रहा है बराबर का, वो हवा हिंदू और मुसलमान के शरीर में लग रहा है। तो अरे भैया जब ऊपर वालों ने कोई भी उनके द्वारा दिए गए चीज़ों का बंटवारा ना हो सका तो हम और आप कौन होते हैं आपस में बांटने वाले? तो बटा नहीं है क्या इस बार? नहीं बिल्कुल नहीं बटा, इस बार पूरा भारत आपको साईं बाबा विधानसभा में नजर आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने ओवैसी साहब के पतंग को पसंद किया है और जबरदस्त आप उछाल मारने जा रहे हो। निश्चित रूप से 10 मार्च को चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। कुर्सी पे बैठा है, अगर कुर्सी मिल जाते तो इसकी गर्मी हावी तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा नेता ओवैसी साहब है। नहीं आपके बात कर रहे हैं, मैं वही हूँ जो मेरा नेता है। मेरा नेता 1994 से विधानसभा देखा, 5 बार लोकसभा में है, लेकिन उसके बावजूद एक ब्लेड रख के भी अपने साथ नहीं चलते सुरक्षा के लिहाज से। उनकी सोच है कि जब पूरा हिंदुस्तान का आवाम सुरक्षित होगा तो मैं स्वतः ही सुरक्षित हूँ, तो उस तरीके के सोच रखने वाले हम लोग।